वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है ट्यूसडे, यानी कि हनुमान जी का दिन है, और हम हर मंगलवार को ना बूंदी का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आज क्यों ना घर पे ही बनाया जाए कुछ, तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा, तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आ जाओ। हलवा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, और अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले घी। हम एक कटोरी बेसन ले रहे हैं, तो इतना ही घी डालेंगे, क्योंकि घी कम नहीं होना चाहिए। घी जो है वही मज़ा लाता है हलवे में। तो हमारा घी जो है वो गर्म हो चुका है, तो हम इसमें डालेंगे बेसन। और बेसन डालते ही हमें इसको हिलाते रहना है। लो फ्लेम पे हमें इसको बहुत अच्छे से भूनना है। और मैंने जो है बेसन पहले अच्छे से छान लिया था। हमारा जो बेसन है वो हल्का ब्राउन हो चुका है, ये देखिए। तो इस स्टेज पे हम जो है जो चीनी है वो डालेंगे, और फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें दूध। मेरा हलवा रेडी है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने इसमें अब दो कटोरी दूध डाला है, और इसको अब अच्छे से मैं चला रही हूँ। आप चाहो तो पानी भी डाल सकते हो, और चाहो तो दूध और पानी दोनों मिक्स करके भी डाल सकते हो। तो ये देखो हमारा हलवा रेडी है, और आपको ये तब तक पकाना है जब तक ये कढ़ाई को ऐसे छोड़ने ना लग जाए। तब तक आपको ऐसे ऐसे चलाते रहना है और पकाते रहना है। ये चाय। तो हमने ये हलवा निकाल लिया है, और इसके ऊपर अब हम डालेंगे घी। ऊपर से डाला हुआ घी बहुत अच्छा लगता है खाने में। यम यम, आ जाओ सारे। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने और ये प्रसाद चढ़ाने। तो मैंने जो प्रसाद है वो मंदिर में लगा दिया है, और बाकी का जो प्रसाद है वो हम पूरे हलवे में मिला देंगे, ताकि सबको भगवान जी का प्रसाद मिल सके। बता कैसा है? अच्छा है, टेस्टी हो रहा है, मजा आ गया। लग रहा है ना बेसन का? तो मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ। सब कुछ परफेक्ट है, कुछ भी कम वम नहीं है, सब बढ़िया। मैं खुद की तारीफ कर रही हूँ, क्योंकि सच में अच्छा बनाया।